हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी है इवनिंग का टाइम। इवनिंग का क्या, अभी बज रहा है रात का 8 बज रहा होगा, 8 साढ़े 8 का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो मार्केट क्या, मार्केट भी जाएंगे, थोड़ा बहुत सा दिवाली का शॉपिंग कर लूँगी मैं भी, और थोड़ी बहुत सी जो बचेगी वो धनतेरस के दिन करूँगी, क्योंकि धनतेरस के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज टाइम मिला है तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं, और विशाल भी जाना है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए, तो चलिए चलती हूँ और फिर देखते हैं वहाँ पे कि क्या ले सकते हैं। जो जो चीज़ें अभी ले सकते हैं वो ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है फिर, और इनसे तो बिल्कुल भी भीड़ में रुका नहीं जाता है, तो अभी आराम से ले पाएंगे। तो त्योहारों के टाइम रात में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, इसीलिए मैं रात पे जा रही हूँ, क्योंकि जो रात में वहाँ की रौनक होती है मार्केट की वो देखने लायक होती है। तो चलिए चलती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, कहीं कहीं पे जाम भी है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा शांत रहता है और अधिकतर हम लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। तो चलिए चलती हूँ। तो रास्ते में जो भी शॉप पड़ रही है वहाँ पर मैं चेकआउट कर ले रही हूँ, जहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मिल सकता है। ये शॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे डेकोरेशन का सारा सामान है तो यहीं से ले ले रही हूँ मैं कुछ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ गेट के लिए जो बंधन वार वगैरह होते हैं वो ही सब लेने को सोच रही हूँ, क्योंकि जो दो रूम्स हैं मेरे वो काफ़ी ज़्यादा खाली से लगते हैं। तो अभी आ गई हूँ विशाल, क्योंकि हस्बैंड के लिए कपड़े लेने थे कुछ, तो देखती हूँ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिलता है या नहीं। तो बस, और जो घर के लिए एक दो सामान चाहिए होगा कुछ भी तो वो भी ले लूँगी, इसलिए हम लोग आ गए हैं इधर भी। तो चलिए देख लेती हूँ, पूरा भी तो ढूंढ रही हूँ कि किस फ्लोर पे होगा उनके कपड़े। तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। ये घर के पास में ही है, अभी नया न्यू ही ओपन हुआ था, तो हम लोग यहीं आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो पहले वाले घर के पास है वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो चलिए देख लेती हूँ यहीं पर। इनके लिए कुर्ते वगैरह लेने थे लेकिन कोई कुर्ता समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर, और मैंने मीशो से भी ऑनलाइन मंगाया है लेकिन उसका डेट जो दिवाली के बाद का दिखा रहा है, तो उसके बाद काम ही क्या रहेगा उसका। तो चलिए देख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। दोपहर का टाइम और नेक्स्ट डे का व्लॉग है। दोपहर क्या, शाम होने वाली है, 4 बजने वाला है, और सुबह से हम लोग क्लीनिंग पे जुटे हुए थे तो कुछ भी नहीं किया सुबह से, बस ना ब्रेकफास्ट ना कुछ, बस क्लीनिंग पे ही। तो अभी हम लोग लाइटिंग का काम कर रहे थे पूरे घर पे, लाइट वगैरह। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग गया है, और रात में जलने के बाद ही समझ में आएगी लाइटिंग वगैरह। तो कुछ मेरी पहले की रखी हुई थी और कुछ नई मंगानी पड़ी, क्योंकि पहले की क्या हुआ घर चेंज करने में भी ख़राब भी हो गई कुछ। तो चलिए ऊपर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ लोग चढ़ कर के लगा रहे हैं ये लोग। तो ये देखिए सब तैयारी में जुटे हुए हैं, और ये भी चढ़ गया है शैतान लड़का। इसको मैंने मना किया फिर भी चला गया, बोला गिरूंगा नहीं मैं। तो चलिए रात में दिखाऊंगी आप लोगों को जला करके कैसा लग रहा है ये, अभी तो बस लग ही रही है।
घर तैयार हो गया है सर्च करके और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, दिवाली के लिए रेडी है। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।